गिन्नी भी उठ गई है और ये मैंने लिया है गर्म पानी, बॉइल्ड गर्म पानी। वो मोम का स्टिकर मेरा वहीं पे लगा था जो वहां पे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अब बहुत अच्छे हो। मैं छत पे आई हूँ तो यहाँ पे बहुत तेज धूप है आज और मैं बहुत बहुत टाइम बाद फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। मस्त बना ही लेती, बीच मैंने ऐसे छोड़ दी थी, बस मन नहीं कर रहा था और बहुत ऐसे हो गया था, बस फिर मैं आज फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और शायद मैंने एक लास्ट ब्लॉग में दिखा रहा था कि मैंने अपना वेट लूज किया था 62 से 57 का था, बट फिर अब 2-3 महीने बाद फिर से मेरा वेट बढ़ गया है। मैं फिर से आई हूँ छत पे कम करने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है हमारे गांव, मतलब मेरे गांव में, मायके नहीं, ससुराल में भी, कैसे बोलूँ क्या बताऊँ मतलब यहाँ भी मेरा ससुराल है और एक एक गांव में भी है हमारा घर जो नया बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर चल रहा है, वहाँ जाना है अभी नेक्स्ट मंथ। तो वहाँ तो मेरे को ना सूट जो मैं सारे सूट थे सब टाइट हो गए, जो अच्छे अच्छे नए नए सूट सिलवाए थे मैंने शादी के लिए, तो इसकी वजह से मैं सोचा मेरे को मैं उन्हें फिट नहीं आ रही, तो इससे मेरे को मैं सोचा लूज़ करवाने से अच्छा मैं अपना वेट ही लूज़ कर लेती, सूट को लूज़ करवाने से अच्छा वहाँ से मैंने स्टार्टिंग कर दी है वेट लूज़ करने की। देखते मैं एक महीने, महीना तो नहीं 20 दिन है, कितना कम कर पाती हूँ, जो भी होगा मैं आपको लोग में दिखाऊँगी। बहुत तेज़ धूप है यार, आँखें बंद हो रही मेरी तो। और गाइस बाहर इतनी तेज़ धूप है मैं बाहर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने अंदर ही रूम में मैट लगा लिया, आप देख सकते हो ये मेरा मैट है। और अभी मेरा फ़िलहाल 59 वेट है, 59 हाँ 59 एग्जैक्ट 59 है। और तो मैं सोच रही बस मेरा वेट ज़्यादा नहीं 20 दिन के अंदर 57-56 हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और जो भी होगा मैं दिखाऊंगी कितना वेट लूज़ हुआ, क्या हुआ, क्या मैंने क्या क्या खाया, डाइट में क्या लिया, जो भी होगा मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी, बने रहे मेरे साथ व्लॉग में। और व्लॉग प्लीज़ एंड तक देखिएगा प्लीज़। पहले अब गिन्नी इतना नहीं बोलती थी, अब गिन्नी की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई, मतलब अब बोलने लगे, बहुत बोलने लगे वो 2-3 महीने में, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया उसके अंदर, पहले बहुत कम बोलती थी अब बहुत। आप व्लॉग में देखोगे तभी पता लग जाएगा, लास्ट तक बने रहेगा। अभी गिन्नी को उठाने का टाइम हो गया, सो रही है, उठाती एक बार तो रोएगी पर आज तो कम नहीं रोती। गिन्नी उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। मैं इसको ना कैसे उठाती देखो, ऐसे रोएगी ना। उठ जाओ, नींद आ रही है और भी सोना है, आज तो छुट्टी है गिन्नी की, आज तो छुट्टी है गिन्नी की ना, छुट्टी है ना तो गिन्नी आज क्या है गिन्नी, हैप्पी मदर्स डे बोलो ना। आपने तो मेरे लिए कार्ड भी बना रखा ना, बना रखे हैं, बना होगी तम्मी को ढको, हाय कर दो, हाय। फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया मम्मा ने, हाय कर दो ना एक बार, एक बार हाय कर दो, हाय कसर के साथ एक बार हाय कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है। और गाइस गिन्नी भी उठ गई, उठते गिन्नी पीते पानी और मैं भी ले रही हूँ पानी, ये गर्म पानी। इसके अंदर मैंने ऐड किया है एक नींबू, एक चम्मच सिरका और जैतून का तेल एक चम्मच, क्योंकि मुझे ना गाल ब्लैडर में स्टोन है उसके लिए, ये देखती हूँ इससे निकलती है नहीं निकलती, बट मुझे इस पे ऊपर मतलब ट्रस्ट है मुझे कि मेरी निकल जाएगी, बाकी देखते हैं। और गिन्नी को सुबह उठते चाहिए बेड पे मैंगो, सुबह उठते इसको मैंगो चाहिए सुबह उठते मैंगो। और मेरे को क्या बोल रहे थे आप अभी, कह रहे उल्लू बनाया बड़ा बच्चा, बोले लगे वो भी
और गाइस गिनने के लिए नाश्ते में मैंने बनाया पराठा, बोली मम्मी छोटा सा पराठा बनाना, और टमाटो सॉस मैं डेली घर पे बनाती हूँ उनके लिए डेली फ्रेश। और इसके बाद मैं खाती हूँ जो ज्वार की रोटी, ये मैंने जो ज्वार इकट्ठा मिक्स करके रख रखा है एक डब्बे में, और सारी वेजिटेबल मैंने चॉप कर लिया, टमाटर प्याज खीरा और एक गाजर छोटी सी। इसके बाद मैं अच्छे से आटे को लगाऊंगी, पहले मैं सब्जी को मिक्स कर लेती हूँ आटे के अंदर, और मेरी दो लोइयाँ बन गई जिसमें एक अभी खाऊंगी एक मैं दोपहर को खाऊंगी। और ये आटा ना मुझे ऐसे मतलब बनाए जाती है ये वाली रोटी, फिर मैं पोलोथिन के अंदर रख के इसको अच्छे से, फिर मेरे अच्छे से बन जाती है शेप, तो टेढ़ी मेटी आती है, आप शेप की तरफ ध्यान मत देना, बट रोटी बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये मेरी बन गई, आपको दिखाऊंगी बनने के बाद, सच में उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें थोड़ा नमक मिर्च और ऐड कर दिया मैंने ताकि खाने में अच्छे लगे। इसके बाद मैंने एक चम्मच घी ऐड कर दिया, पहले मैं बिना घी के खाती थी बट अब घी यूज़ करने लगी, और एक कटोरी दही। और गाइस आजकल हमारी मेड भी नहीं आती, नाश्ता वास्ता हमारा हो गया था, तो मैंने सोफे कवर सुबह ही धो दिए थे, और इसके बाद मैंने सोफे कवर भी लगा दिए, इतना सारा काम हो जाता है क्योंकि मेड गई हुई क्या, अब हट ही गई है वो हमारे, वो उसने बोला कि मैं नहीं आऊँगी अब, तो इतना सारा काम एक 1.5 महीने से गई हुई है। और आज का इसे है मदर्स डे पे पहने मैंने ये वाला ड्रेस, गिन्नी के स्कूल में फंक्शन है तो टीचर ने इनवाइट कर रखा है मुझे, गिन्नी को मतलब सारे पेरेंट मतलब मदर्स को, तो गिन्नी मैं कह रही हूँ मम्मा ये वाला सैंडल पहन के चलो, अब मैं इसकी वीडियो बना रही तो रो रही है कि मम्मा मुझे नहीं बनवानी, फंक्शन है तो गिन्नी भी रेडी हो गई, मैं भी होगी मदर्स डे का फंक्शन, हम दोनों जा रहे हैं अभी, हाय करो। और गाइस हम पहुंच गए गिन्नी के स्कूल के पास, और यहाँ पे इतनी सुंदर डेकोरेशन करती है गिन्नी के स्कूल के बाहर बैलून से, और वी यू मोम का इतना बड़ा बैनर लगा था बहुत अच्छा, और साथ में ढोल के साथ वेलकम किया हमारा। फिर अंदर हमने जब एंट्री की तो हमें तिलक लगाया गया, फूल ऐसे किए गए, तो इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा वेलकम किया गया। और यहाँ पे फिर इसके बाद हम अंदर आ गए, यहाँ पे हमें बोम मोम का स्टिकर लगाया गया जितनी भी मदर्स आई थी उन सबको, और यहाँ पे वेटिंग रूम में सभी वेट कर रहे हैं, अभी जब सब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे मतलब सबके सबकी मोम और बच्चे सब आ जाएंगे तो इसके बाद हम जाएंगे ऊपर, भी हम रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सब बच्चे बातें कर रहे हैं खेल रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे फंक्शन है, वो आपको आगे मैं दिखाऊंगी। और गिन्नी को वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं जिसको वीडियो बना रही तो छुप रही है मेरे पीछे, कह रहे नहीं मम्मा वीडियो मत बनाओ, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं वीडियो बनवाना। और गाइस इसके बाद हम आ गए ऊपर, यहाँ पे डीजे लगा था, मैं गिन्नी देख के इतना खुश हो गई, इतना खुश, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, और सब यहाँ पे मतलब सबकी मदर्स और बच्चे यहाँ पे बैठ गए। हमें फिर कोल्ड ड्रिंक ली और गिन्नी ने थोड़ी सी ली, कह रहे मम्मा खट्टी है, बट इसने ले ली। और इसके बाद गिन्नी का फोटो शूट होना था यहाँ पे, फर्स्ट क्राई अमेजोन मिंत्रा और मीशो वाले जो बच्चों को लेते हैं ऐड के लिए वो आए हुए थे, मतलब उनकी तरफ से ऐसा कुछ था, तो गिन्नी का पहले किसी और बच्चे का फोटो शूट, बहुत सारे बच्चों का फोटो शूट और फिर गिन्नी का मतलब मिड में करवाया मैंने मतलब बीच में, तो जो भैया फोटो क्लिक करवा रहे थे कह रहे थे गिन्नी को देखे सच में इसका सिलेक्शन तो 101% हो जाएगा, और सच में सबसे अच्छा क्लिक करवा रही है, फोटो बहुत अच्छे से करवा रही है, इसको इसका हो जाएगा, बट हमने नहीं करवाया क्योंकि कुछ पे करना था तो इस वजह से हमने नहीं करवाया, बट गिन्नी का मुझे ऐसा लगता कि हो जाता बट हमने करवाना नहीं था तो इसलिए हमने नहीं करवाया। तो गिन्नी सच में बहुत अच्छे से फोटो शूट करवाया, बहुत अच्छे से, वो भी बार बार करते हैं अरे सबसे अच्छे इसने किया, क्या नाम इससे थोड़ी देर बातें भी की उन्होंने। उसके बाद इन्होंने हमें और यहाँ पे हमें एक मिला है फॉर्म, और फॉर्म लेके हमें दूसरे रूम में जाना है मुझे गिन्नी को, और हम मतलब दूसरे रूम में आ गए, यहाँ पे भी हमें अंदर बैठते हैं देखते क्या बताते हैं क्या नहीं कैसे क्या है। इस फॉर्म को हमें भी फिल करना होगा, बाकी हम जाने के यहाँ पे आने के बाद ही पता लगे हाँ इस फॉर्म को फिल ही करना है। और गिन्नी को यहाँ पे बैठा दिया अब चेयर पे, बोले चेयर पे बैठ जाओ, गिन्नी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो इजीली नॉर्मल बच्चे का नेम क्या है ये वो, जो गिन्नी ने सब बता दिया था, ऐसा कुछ नहीं नॉर्मल जो बच्चे से पूछते हैं। इसके बाद ही हमें समझा रही है कि ऐसे कुछ बस बच्चों को इतना पे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा जो भी है। ये तीनों शूट फर्स्ट डे में ही हो जाते हैं, पोर्टफोलियो पूरा क्रिएट किया जाता है, इसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं बट हमारी कंपनी चार्ज नहीं करती है। क्लोथिंग स्टाइलिंग मेकअप जो भी रहेगा सब हमारी तरफ से रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, कोई भी एक्सेसरीज नहीं आना। सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट शूट में बच्चे को हमारी एजेंसी का, सेकेंड शूट में मैम वीडियो शूट एड ऑन हो जाता है जिसमें बच्चे को पेड शूट मिलने स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ब्रांड बच्चे को पे करें तो कुछ भी पे करें, क्लोथिंग वाउचर कुछ भी, सोशल मीडिया प्रमोशन भी रहेगा हमारी तरफ से, आप इंस्टा अकाउंट में हैंडल करेंगे बच्चे का पूरा प्रॉपरली, बच्चों को पेड शूट मिलने स्टार्ट हो जाता है, आउटडोर शूट भी रहता है मैम, अगर बच्चा अच्छी नीड है ब्रांड की नीड है कि नीड जिस बच्चे के साथ आपको ये हमारे ब्रांड है, हमारे ब्रांड है इससे ज़्यादा ही ब्रांड से कम नहीं है, एक मैक्सिमम।
और इसके बाद जो इनके पास जो जोन से ब्रांड है और जिन जिन से इनका कॉन्टैक्ट है, तो उन्होंने ये सब बताया जो भी है मैगज़ीन में, कि हमारी मैगज़ीन में बच्चों के इस तरह से मैगज़ीन बनेगी बच्ची की, ये वो एक्सेट्रा जो भी है। बट मैंने बाहर आके जब और मदर से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि ये पहले ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं पे कराएंगे, पर बाद में ना पे करना पड़ता है, अभी थोड़ा सा कराएं, थोड़ा थोड़ा करके बहुत पे करवा लेते हैं। कुछ है भी, कुछ भी नहीं कह नहीं सकते, ट्रस्टी भी हो सकता है और नहीं भी, कुछ नहीं कह सकते। बट इसके बाद मैंने इनको बोला कि मैं बाद में बताऊँगी जो भी होगा। इसके बाद मैगी नहीं आ गए बाहर। फिर इसके बाद हम गए नेक्स्ट रूम में जहाँ पे इनके स्कूल का फंक्शन था। यहाँ पे मदर्स डे का पूरा बना हुआ है, यहाँ पे फोटो क्लिक होगी हमारी और आप देख सकते हो मदर्स डे का इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा है, बहुत 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 अच्छा। और गिन्नी मुझे वो पहनाएगी जो मेडल टाइप होता है, कुछ बच्चे का बनवा रहा है, बच्चों से बनवाया होगा इन्होंने स्कूल में वो। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है यार, सच में आप देख लो बस एक बार। और मुझे बोम बोम की ट्रॉफी मिली और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हम बाहर आ गए, यहाँ पे अब डीजे स्टार्ट हो गया, चलो करते हैं इंजॉय। डीजे स्टार्ट हो गया और डीजे पे जो भी ब्लैक साड़ी वाली वो सब की सब गिनने की मतलब स्कूल टीचर हैं, ब्लैक साड़ी में इनका ब्लैक थीम है। और जो पिंक है, जो पिंक कोट ड्रेस पहने, ये भी गिनने की सबके सब टीचर हैं, इनका थीम है जो टीचर का है आज का। और ये भी किसी बच्चे की मोम है, तो इन्होंने किसी ये उत्तराखंड से, तो उन्होंने पूरा लुक उत्तराखंड वाला क्रिएट कर रखा था और डांस भी उसी सॉन्ग पे किया हूँ, उत्तराखंड के सॉन्ग पे। और ये वाला सॉन्ग सुन के आप गैस करो ये कहाँ का सॉन्ग है, मुझे तो पता है बट आप बताना। इसके बाद मेरा और गिन्नी का डांस, मैं पंजाबी सॉन्ग पे कर रही थी बट गिन्नी ने बोला नहीं मम्मी हरियाणवी पे, फिर मैंने हरियाणवी पे कर लिया। हाँ
अब हम जा रहे हैं घर। घर जाने से पहले हमें टोकन मिला है गोलगप्पे और गोला का, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगे हुए हैं। शाम के 5:30 बज चुके हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ से हमने पहले खाए गोलगप्पे, गोलगप्पे खाने के बाद हम खाएंगे गोला। बट गिन्नी को गोला इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब ठीक है। एक किसी बोला मम्मा खट्टा है, बस फिर उसके बाद हमने इसको डाल दिया, नहीं लिया हमने। और गाइस हम घर के लिए निकल चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ गिन्नी के स्कूल का फिर से एक बार बड़ा मन कर रहा है मेरे को देखने का। सच में बहुत बहुत सुंदर लग रहा था गिन्नी का स्कूल, सच में बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर। आप देख ही सकते हो, हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करवाई यहाँ पे, पर इसके बाद हमने कुछ करवाई फ़ोटो क्लिक। फ़ोटो क्लिक करवाने के गिन्नी को मिला एक छोटा सा गिफ्ट, इसके अंदर बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद हम घर के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पे गिन्नी के स्कूल के बिल्कुल सामने यहाँ पे बीजेपी की रैली चल रही है, और यहीं से होते हम जाएंगे घर ही, क्योंकि हमारा रास्ता यहीं से है घर के लिए। गाइस अब हम जा रहे हैं घर, और रास्ते में बीजेपी वालों की रैली थी, कुछ प्रोग्राम तो हमें भी मिले हैं मुझे भी। और गिन्नी को गिन्नी बोल रही है मोदी जिंदाबाद, देखो गिन्नी और सही है तो नाच रहे कि वोट मांगने जा रहे, देखो। और गिन्नी को ये मफलर सा जो दिया बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुश हो रही है इसको देख के बहुत ज्यादा। घर पहुंच गए हैं, देखो फ्रूटी नमकीन लेज और चोकोस, किसको गिफ्ट मिला है स्कूल से। अभी शॉप पे हम सब अच्छा, बेटी की वजह से मिली है मुझे, उसको संभाल के रखूंगा हमेशा। ये बनाया देखो मदर्स डे पे, और गिन्नी के साथ मुझे मिली है बोमों की ट्रॉफी, और मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश, मैं इतना संभाल के रखूंगी, इतना संभाल के ट्रॉफी कार्ड और ये सब कुछ। गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने फिर से स्टार्टिंग किया ब्लॉग बनाना, पर बहुत टाइम से मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, बस मैं बता सकती किस वजह से मैं नहीं बना पाई, कुछ रीज़न था, इस वजह से मैंने फिर से स्टार्ट किया है। आई होप आप मेरा साथ दोगे। और बस आज का व्लॉग इतना ही, प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा। बाय बाय करो सबको।